जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सरजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक बीमारी का फ्री में इलाज बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इसका फ्री का इलाज से आप अपना रोग ठीक कर पाएंगे। साथियों यह एक एजुकेशनल वीडियो नहीं, यदि आप एजुकेशनल वीडियो देखते हैं तो आप इसी करके जा सकते हैं। यदि आप उस बीमारी का इलाज जानना चाहते हैं तब आप इस वीडियो पर बने रह सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि एक बीमारी होती है बवासीर, जिसको अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, खूनी अथवा बादी। तो दोनों में इस इलाज का प्रयोग किया जा सकता है और दोनों में बहुत ही अच्छे इसके लाभ देखे गए हैं। आपको बताना चाहता हूं कि यदि शुरुआती दौर का रहता है बवासीर, जैसे 1 साल के अंदर का रहता है, 6 महीने का रहता है, 4 महीने, 3 महीने का रहता है, तो यह पूर्णतः ठीक भी हो जाता है। लेकिन यदि काफ़ी पुराना है, मस्से आ गए हैं तमाम प्रकार, तो उसमें आराम मिल सकता है लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं होगा। तो उसमें करना क्या होता है, चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, अगर किसी को यह प्रॉब्लम है तो वह गाय का ताज़ा दूध ले ले। अब देखिए ताज़ा भी दूध ले सकते हैं और यदि ताज़ा दूध न मिले, गर्म किया हुआ दूध हो तब कैसे यूज करेंगे, दोनों को मैं बता रहा हूं। तो जैसे अगर आपने ताज़ा दूध प्राप्त किया तो ताज़ा दूध एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे, 1 कप ले लीजिए, या मान लीजिए अगर ऐसे गिलास है तो इसका आधा गिलास भी ले सकते हैं। और आपको लेना होगा कागजी नींबू। कागजी नींबू को क्या करना होगा, आप एक कहीं दूसरे पात्र में निचोड़ लीजिए, दूसरे पात्र में उस कागजी नींबू को निचोड़ करके उसका बीज ऊज निकाल दीजिए। अब आपके पास 1 कप दूध हो गया और एक अलग कप में या अलग जगह पे आपने नींबू को क्या किया है, निचोड़ दिया है। अब आपको क्या करना होगा, उसको सीधे उस नींबू के जो रस को आपको उसमें मिलाना होगा। कागजी नींबू के रस को दूध में तुरंत मिलाइए और तुरंत जैसे मिलाएंगे वो फटना शुरू हो जाता है, तो एक तरफ ऐसे मिलाएंगे और तुरंत उसको क्या करेंगे, तुरंत उसको पी लेंगे। ये तो ताजे दूध के बारे में बता रहा हूं। अगर मान लीजिए ताजा दूध नहीं है, गर्म किया हुआ दूध है, तो गर्म किया हुआ दूध अगर है तो उसका साड़ी उतार दीजिए और उस दूध को आप क्या करिए, फिर आप ले लीजिए किसी पात्र में ले करके, या थाली में भी ले सकते हैं, उसको ले करके और उसको क्या करिए, किसी पंखा का चल रहा तो उसके सामने कर दीजिए, तो उसके हवा से वो ठंडा हो जाएगा, एकदम शीतल हो जाएगा। मतलब आपको गर्म दूध का यूज नहीं करना, आपको शीतल दूध का यूज करना है। वैसा नहीं कि उसको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में ठंडा भी नहीं करना है, आपको बस वैसे ही ठंडा करना है। तो अगर ताज़ा दूध रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, अगर गर्म किया हुआ दूध है तो उसको आप क्या करें, किसी पात्र में ले करके अगर पंखा चल रहा तो उसके सामने से कर देंगे, उसको दिखा देंगे, तो धीरे धीरे वह एकदम ठंडा हो जाएगा। और जब वो ठंडा हो जाएगा तो पुनः उसी में क्या करना है कि वही चीज़ है कि जहाँ आपने एक नींबू को किसी दूसरे पात्र में निचोड़ करके उसका बीज आपने निकाल लिया है और उसको क्या करेंगे, उसको दूध में मिला करके, जैसे दूध में तुरंत मिलाइए और तुरंत उसको क्या करिए, तुरंत उसको पी लीजिए। तो ऐसा करने से बहुत से लोगों का बवासीर जड़ से समाप्त हो गया है। अब आपको बताना चाहता हूँ कि यह चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ यह खुद मैंने इसी यूट्यूब पे सुना था, किससे, बाबा रामदेव जी के कब सुना था, और उन्होंने इससे बताया था कि लाखों लोगों का ठीक हुआ था। तो मैंने भी इसका यूज करवाया। बहुत से परिचित ऐसे थे कि जिनको प्रारंभ में ऐसा हुआ था शिकार, तो मैंने उनको ये चीज़ें बताई और बहुत ही उसका बेहतर रिस्पांस उनको मिला। अर्थात अगर प्रारंभिक स्टेज था तो एकदम जड़ से समाप्त भी हो गया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें जो है और जो कि बीमारी का जो निदान है फ्री का है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आगे जाकर के लोग सर्जरी कराते हैं, तमाम उसका इलाज है, वो तो क्षार सूत्र से इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, लेजर बीज से इलाज कराते हैं, वो सब तो अलग चीज़ है। लेकिन यदि प्रारंभिक स्टेज है तो क्यों ना फ्री का इलाज करके देख लिया जाए। तो बस ऐसा आप इलाज करके, और कितने दिन करना है कि 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह बहुत है, 1 सप्ताह में ये पूरा रिस्पांस इसका आ जाता है। अधिकतम आप 10 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो किसी किसी का तो 3 या 4 दिन में भी समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह वीडियो समाप्त करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।